नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं वो नेपाल से हैं, और सीमा शर्मा शाह जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। थैंक तो सबसे पहले हमारा जो एक यू क्वेश्चन होता है, हर एक आर्टिस्ट की एक जर्नी होती है जो कि अलग अलग मतलब रास्तों से होते हुए इस फील्ड तक आती हैं, वह उसमें एक अपना नाम एक शोहरत हासिल करते हैं। तो सबसे पहला जो एक होता है कि सबका एक जो वर्क काम का स्पेस है, वह एक जन्म स्थान, एक स्कूलिंग, एजुकेशन, वो सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होता है। तो आपका जन्म कहाँ हुआ, आप इस फील्ड में कैसे आई? मेरा जन्म बनारस में हुआ। जी मैं बनारस में ही पढ़ी लिखी पढ़ी और बड़ी हुई हूँ, और मैंने फाइन आर्ट्स BHU से किया है, ओके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बैचलर मास्टर और PhD सब वहीं से किया, और मैरिज के बाद मैं 1995 में नेपाल में आई हूँ, और तब से मैं यहीं पर काम कर रही हूँ। और 1996 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जॉब भी कर रही हूँ तब से। ओके okay. तो जैसे ये हाँ होता है ना, जब कॉलेज के समय में ऐसे कोई गुरु होते हैं या स्कूल के समय में ऐसा होता है कि हम कुछ कुछ ड्रॉ करते रहते हैं। कोई ऐसे शिक्षक स्कूल में होते थे, वाह तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है, ऐसा कोई है जो हाँ आपको हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे? हाँ बचपन में मैं ननिहाल में गर्मी की छुट्टियों में जाती थी, जब तो मेरे नाना जी बहुत हमें सपोर्ट करते थे, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ ड्राइंग किया करती थी। कभी कुछ नहीं मिलता था तो मैं छत पर वो पत्थर ईंटे के टुकड़े से पूरी छत पे ड्राइंग करती थी, कुछ ओके भी बनाती थी, फूल पत्ती कुछ भी बनाती थी, पूरा बनाती जाती थी, बहुत बड़ा स्पेस भरती थी, पूरी छत पे ड्राइंग करती थी। ओके तो वो देख के वो कहते थे ये लड़की आर्टिस्ट बनेगी। मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो वो कहीं कहीं मेरे दिमाग में रहता था कि आर्टिस्ट ऐसे ही होते होंगे जो बिल्कुल कुछ बनाते हैं ऐसे दिन भर। तो कहीं ना कहीं वो था शुरू में, और उसके बाद तो स्कूल में भी ड्राइंग वगैरह अच्छी थी, टीचर्स लोग सब बहुत सपोर्ट करते थे, हमेशा अच्छा बोलते थे, और उसके बाद में फाइन आर्ट में गई ओके तो BHU में आपके कौन इंटर। से शिक्षक थे जब आप पढ़ रहे थे? मैं शुरू में तो बहुत सारे टीचर थे, RSD थे और मृदुला सिन्हा थी और भानु अग्रवाल, और मेन मेरे प्रिंट मेकिंग के टीचर जो थे वो दीपक प्रसाद बनर्जी थे ओके लास्ट थे। हाँ, और मैंने PhD किया, शुरू किया था डॉक्टर कुसुम दास के अंडर में और कंप्लीट किया डॉक्टर कमल गिरी के अंडर में। ओके okay. तो जैसे वहां तो एक सुंदर वातावरण है ही बनारस में, तो हाँ वो उसका क्या शुरू से ही आपके जो काम में वो घाट और ये सारी चीजें वो शुरू से ही आती थी? हाँ शुरू में तो घाट का ही ज्यादा रहता था क्योंकि डेली स्केचिंग करना होता था, तो सबसे नजदीक घाट ही था काम करने को, स्केचिंग करने के लिए। तो मैं रेगुलर घाट पे स्केचिंग करने के लिए जाती थी। हाँ, लेकिन जब मैं बनारस के बाद यहाँ पे, और फिर कॉलेज में भी पेंटिंग वगैरह भी घाट की बहुत किया, लैंडस्केप किया, जब यहाँ पर आई तो फिर उसके बाद वो घाट चेंज हो गया, बहुत समय तक चेंज रहा। और फिर ये कोविड के टाइम में जब घर में बैठना पड़ा तो कुछ चेंज करना है करके फिर से घाट बनाना शुरू हुआ था मेरा। तो वो एक सीरीज नई घाट की बनी जो एचिंग थे सब, और वो बहुत बड़े बड़े एचिंग थे। उसकी साइज 30 by 60 inch और 20-40 ऐसे करके थे, काफी बड़े एचिंग बनाए बनाए अच्छा हमने ओके स्केच। वाह।
तो हम एक काम करते हैं कि कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है, जो सर हमेशा बोला करते थे, जो आपको हमेशा याद आती है जब आप काम करने बैठती हैं। वैसे मैंने ये सर की आदत नहीं थी काम के बीच में कुछ बोलने की, पर वो काम के बारे में बात करते थे और कहते थे जब कोई काम जब कुछ समझ में नहीं आता है तो जी उस काम को छोड़ के नया काम शुरू करो और उस काम को कहीं पर क्लिप कर दो सामने, हाँ तो वो नया काम जो है वो तुम्हारे पुराने काम को गाइड करेगा और तब वो काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि अब उसमें तुम्हें क्या करना है, तो बिल्कुल, वो होता वो है जब बात याद। जब हम पढ़ते हाँ हैं तो सर की कही हुई कई सारी बातें बाद में रियलाइज होती हैं हाँ कि क्या वो क्या कहना चाहते थे। कहना चाहते थे, ये तो है। हाँ और भी वो जब MFA में एडमिशन प्रिंट मेकिंग लेने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम बताएंगे, काम सारा तुम्हें करना है, 20-25 ड्राइंग पहले करके लाओ क्या काम करोगी, तो उसके बाद हम बताएंगे कि तुम्हें कैसे क्या करना है, बताएंगे मतलब कि ये नहीं कि तुमको हर एक स्टेप पे हम हेल्प करेंगे, तुम काम करोगी और टीचर का काम हमारा काम रहेगा सिर्फ पुश करना, अगर तुम सही कर रहे हो तो मैं पुश करूंगा, अगर सही नहीं कर रहे हो तो हम पीछे करेंगे तब तुम्हें रोकेंगे, तो इस तरह से वो गाइड करते थे, बिल्कुल। वो अच्छा, एक हम बहुत अच्छा उनका एक काम करते प्रेजेंटेशन है। हैं, हम उसके सीमा जी साथ आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा दिख रहा है ना? तो हमारे पास कुछ मेमोरीज हैं, अच्छा हम इन मेमोरीज के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे आपके काम जब आएंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये शायद कॉलेज का है, अच्छा कॉलेज के समय का है ना आपके? कॉलेज ये का रजत शर्मा के है शो जैसा हमारा शो है। क्योंकि ये कहाँ से वाह मेमोरीज को रिकॉल करना और उसके ऊपर बात करना, वो एक एक समय के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो हम जानना चाहेंगे ये कहाँ का, BHU का है? ये BHU का है और ये जब हम थर्ड ईयर में थे तब का है और ये मेरा पूरा क्लास है और ये हम बीच में जो बैठे हैं दादाजी वो ये पेंटिंग के स्टूडियो अटेंडेंट थे और ओके। ये जो पीछे एक पेड़ से सटा हुआ व्यक्ति खड़ा है हाँ, वो मेरे हस्बैंड ओके, अब वो वाह। मेरे हस्बैंड है नहीं, और जो वो भी कर बात की, उनका भी बीच एक में। मुझे साक्षात्कार करना है, तो आपका ये हाँ हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन के अंतराल पे मैं थोड़ा ये करके फिर मैं कोऑर्डिनेट करके करूंगा। हाँ और ये इसमें मेरे और कोई सब है जो क्लासमेट वेल नोन है जो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं? इसमें है वो लखनऊ का ही है, वो पीछे जो मेरे ठीक पीछे जो खड़ा है वो पांडे राजीव नयन है, ओके। वो लखनऊ विश्वविद्यालय में पहले डीन डीन थे कि नहीं हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे शायद, ओके। या हाँ डीन थे प्रिंसिपल थे प्रिंसिपल हाँ लखनऊ आर्ट कॉलेज में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में, ओके okay। और अच्छा ये तो यहाँ की एग्जीबिशन का, और और कौन कुछ है ये बता मोती रही थी आप? माल है, अच्छा एक रवि अग्रवाल है और एक मोती माल है वो मणिपुरी है वो वहीं पर काम कर रही है अभी। ओके, चलिए, कोई नहीं, मैं इमेज नेक्स्ट इमेज कर रहा हूँ। ये किसी की एग्जीबिशन है, एक उमेश शाह है उनकी ये नेपाल का एग्जीबिशन ही है? में गए थे। हाँ ओके ये नेपाल का ही है सिद्धार्थ आर्ट गैलरी का। ओके। हाँ ये एक स्टूडेंट की एग्जीबिशन है, हाँ ये जो बीच में है हाँ, ये भी स्टूडेंट की ही एग्जीबिशन है।
तो वहां प्रॉपर फाइन आर्ट्स का ही कोर्स है जहां आप पढ़ाती हैं? हाँ फाइन आर्ट्स का ही है। यहाँ पर बैचलर और मास्टर अलग-अलग चलता है। बैचलर कॉलेज ही अलग है, मास्टर अलग है अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ओके, पहले हम बैचलर में पढ़ाते थे हम लोग, अब मास्टर में पढ़ाते हैं। मुझे बहुत पहले किसी ने बोला था कि कोई ऐसे जो शार्क कंट्रीज है ना, उनके सभी आर्टिस्टों हाँ को आप धीरे धीरे अपने इसमें इंक्लूड करने के लिए, वो जो IGN, हाँ, NGMA में हमारे एक परिचित हैं, वो क्यूरेटर हैं बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला था। तो आज संयोग देखिए कि आप नेपाल में हैं और हम यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा संयोग है। ये ये कहाँ का है? अच्छा, ये है दिल्ली हयात होटल का एक वो था, प्रोग्राम था। ये आपको कहाँ से मिला पता नहीं हमें। तो अच्छा, ये इसमें वो दूर मेरे हस्बैंड बैठ के पेंटिंग बना रहे हैं पीछे, व्हाइट शर्ट, और ये इधर मैं काम कर रही हूँ, वो ओके, यूनिक प्रिंट बना रहे हैं पेंटिंग पर, प्रिंट के ऊपर पेंट है, हाथ से पेंट कर रहे हैं। और ये इंडियन एम्बेसी का है क्या शायद, षटकोण करके कुछ। शर्ट को। अच्छा नहीं, ये एक वो है एग्जीबिशन है, 6 लोग की एग्जीबिशन थी, वो स्टूडेंट ही है सब, ओके, तो उसमें इनवाइट किया था उन लोगों ने। हाँ ये भी स्टूडेंट की एग्जीबिशन है। ये है नेवा 6 आर्ट गैलरी, ये सिद्धार्थ आर्ट हाँ, गैलरी है फिर। ये हम लोग का प्रिंट मेकिंग का वर्कशॉप का एग्जीबिशन है ओके, एक्चुअली, ये ये वाला। कहाँ हुआ था? हाँ ये सिद्धार्थ आर्ट गैलरी में ही हुआ था। ओके, हाँ तो ये सारे प्रिंट मेकर हैं हाँ यहाँ के। हम लोग का एक ग्रुप है प्रिंट मेकिंग का ओके, बनाया अच्छा, हुआ, तो वही वही सब मेंबर है। उस ग्रुप के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पर या जहाँ भी प्रिंट मेकिंग पढ़ने के बाद जो बाहर निकलते हैं, तो उन लोग को स्टूडियो की प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल, अक्सर काम बंद बंद होने लगता है जैसा। तो किसी का काम बंद ना हो, हम लोग तो कर ही रहे, हमारे पास प्रेस है और सब है, हमारा स्टूडियो है नीचे, तो उसमें हम लोग के पास बहुत बड़ी प्रेस है, उसमें 4 प्लेट का प्रिंट भी एक साथ कर सकते हैं, मतलब वाह, ओके, 40 इंच बाई 80 इंच का, तो और एक छोटा प्रेस भी है। तो हम लोग के पास है, कुछ आके हम लोग के पास काम करते थे स्टूडेंट। तो और बहुत लोग ऐसे थे जो स्टूडियो की वजह से काम नहीं कर पा रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल, स्टूडियो नहीं होने की वजह से। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें सारे प्रिंट मेकर को इन्वॉल्व करके और काम करें, सबको काम करने का। तो हम लोग एवरी ईयर वर्कशॉप करते हैं, और सारे प्रिंट मेकर्स, अब तो वो स्टूडेंट नहीं रह गए, एक्स स्टूडेंट हो गए, तो वो हाँ, सब उसमें काम करते हैं, और फिर हम लोग एक एग्जीबिशन करते हैं। हम लोग का पर्सनल काम अलग ही रहता है, और एक वो इवेंट एवरी ईयर करते हैं। ओके, एक्चुअली जब हम श्याम शर्मा सर से एक लाइव में बातचीत कर रहे थे, तो अच्छा उन्होंने एक अच्छा बार कहा कि मेरे लिए है ना, प्रेस बंधन नहीं है। उनके पास बहुत समय तक प्रेस नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं मिट्टी को वो करके, मिट्टी का वो बना के, फिर इसको जैसे क्रैक्स आ जाते थे उसके ऊपर कलर लगा के मैं प्रिंट लेता था। तो उन्होंने काफी हाँ वो प्रिंट वो हाँ वो वुड कट कर लेते हैं, तो वो हाथ से भी हो सकता है, वही पर एचिंग का और एचिंग बिना का नहीं प्रेस के काम पॉसिबल, नहीं होता। बिल्कुल हाँ नहीं पॉसिबल होता। वही, श्याम शर्मा को भी मेरा काम बहुत पसंद आता है, वो वाह, ओके, हमारी एग्जीबिशन में भी आए थे दिल्ली में। हाँ ये वो वर्कशॉप का ही है, प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप का है हाँ ये वाला फोटो। आपके पास बहुत कलेक्शन हो गया। हाँ ये 20 में जो बैठे हैं, वो नेपाल के मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं, शशि विक्रम सा, ये बॉम्बे से पढ़े हैं, और इनको हम लोगों ने इनवाइट किया था अपनी एग्जीबिशन में, ओके वो वर्कशॉप में। ओके,
तो अभी अगर वो अवेलेबल हैं, आप अगर बातचीत कर सकते हैं तो आप जरूर उनको सजेस्ट कीजिएगा इसके लिए, एक संवाद उनसे कर सके तो, अगर हाँ, संभव है अभी तो काफी एज हो गई है उनकी, तो। ओके, फिर क्योंकि भी एक बार बात करके देखेंगे। एक हाँ डॉक्यूमेंटेशन जैसा हो जाएगा ना, अगर उनके हाँ साथ में कोई हाँ है जो ये सब फोटो वगैरह भेज सके तो एक डॉक्यूमेंटेशन जैसा हो जाएगा। क्योंकि हमने जब गणेश पाइन सर का किया था बहुत पहले लॉकडाउन के समय अच्छा। पे, तो उनके हाँ हाँ वो नहीं कर पा रहे थे कैसे इंस्टाग्राम हैंडल करना है, वह ये सारी चीजें वो उन्होंने सीखा, फिर अच्छा उसके बाद उन्होंने टॉक किया लॉकडाउन में, बहुत सुंदर वो अनुभव था। हाँ, ये मेरी एग्जीबिशन लग रही है। अच्छा, ये दिल्ली का है, ओके, एम्बेसी कलर का, कॉरिडोर गैलरी का। ओके। ये हाँ, पीछे ये कोई काम वो लगा है है क्या, जो आपके अभी आपके पीछे लगा है ये नेपाल, गया? इंडियन एम्बेसडर। हाँ, ये उसी के सीरीज, उसी सीरीज का एक काम है। अच्छा, जो ओके, मेरे पीछे लगा है वो दूसरा है, वो उसी भी उसी सीरीज का है सीरीज ना। का काम। ओके, हाँ, ये भी, ये ग्रुप एक एग्जीबिशन है, ग्रुप एग्जीबिशन है, उसमें इनवाइट किया था, उसमें गए थे। पीछे सब आर्टिस्ट हैं और बीच में इंडियन अम्बेसडर है दूसरा। ओके। अच्छा, हाँ, ये मेरा प्रिंट। यहां से आपके काम की सीरीज की शुरुआत होती है। हाँ, ये मेरा काम का है। और ये नीचे वाला प्रिंट जो है वो 30x60 इंच का है, एचिंग, तीन ओके, प्लेट हाँ जोड़ा हुआ है, और हाँ ऊपर वाला 20x40 का है, ओके, तो कितना बनारस खूबसूरत है, घाट का ही है कितनी ये। कितनी डिटेलिंग में काम करना पड़ता हो ना, एक एक प्लेट प्रिपेयर करके पूरा प्रिंट लेने में कितना समय लगता होगा आपको? हाँ, समय काफी समय लग जाता है ये। एक महीना, डेढ़ महीना ऐसे लग जाता है, डेढ़ महीना भी लगता है। हाँ, ये कौन सा घाट है? ये ऊपर वाला जो है वो 64 घाट करके है, पर वो कुछ मर्ज किया है अपने आप भी उसमें, हमने ओके, एग्जैक्ट घाट नहीं। और वो नीचे वाला जो है वो भी मर्ज है, वो कई घाट को जोड़ा हुआ है। हाँ, पर वो देख के फीलिंग आती है कि वो वहीं का है, बनारस के घाट। हाँ, बिल्कुल, ये भी वही है। तो क्या आप प्रिंट प्रिंट के बाद उसके ऊपर से भी, जैसे पेंटिंग में आप वो बता रही थी कि प्रिंट के ऊपर आप काम कर रही थी हाँ, वाला? करते हैं, पर इसमें नहीं है, कुछ ओके, हाँ यूनिक प्रिंट बनाते हैं हम, तो उसमें ऊपर से काम करते हैं। ओके, हाँ, ये बहुत सुंदर है ये पता नहीं कैसे ये टेक्सचर आया है, बादलों का जो नीचे वाला काम है वो बर्निशिंग वगैरह थोड़ा करके किया होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत। थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं कभी कभी, हाँ, ये इम्प्रेशन बिल्कुल लेके ऐसा भी लग रहा है करते पुराने हैं। जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स आते थे ना, वो ऐसे ऐसे ही हाँ, फीलिंग आ रहा है कि उसमें थोड़ा सा वैसे, किताबों में अगर हम देखे जाएं तो किताबों में वो छपने वाले प्रिंट्स जैसे 1870 या 1570 के आसपास जो फोटोग्राफ प्रिंट होते थे, ऐसे बनारस उसका फीलिंग आ रहा है। घाट बहुत पुराने पुराने हैं ना, तो थोड़ी कभी कभी वैसे काम भी किया कि पुराना जैसा दिखाई दे। वाकई बहुत खूबसूरत काम है। मुझे प्रीति जी ने इसीलिए, वो बहुत दिन से लगी थी कि है ना सीमा जी से आप बात करो, तो संयोग वो बन ही नहीं रहा था, मैं बाहर चला गया था, फिर ये सारी चीजें, फिर उनका एक दिन फोन आया कि आप बात करो उनको कैसे भी करके। अच्छा, हाँ, इसमें ये इंडियन मिथोलॉजी तीनों को लेके आपने यूनिक बहुत सारा प्रिंट। काम किया है, तो ये इसके बारे में कुछ हाँ, बताएं, ये सीरीज इसमें कब से किए आपने शुरू किया, वह कैसे शुरू हुआ ये? ये शुरू हुआ कैसे, ये तो अलग एक वो है कि
एक एक बार क्या, कई बार ऐसा हुआ कि पेंटिंग के साथ जब प्रिंट की एग्जीबिशन होती है ना, तो प्रिंट थोड़ा सा डल दिखाई देता है। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करें कि प्रिंट भी बहुत निकले, पेंटिंग के साथ डोमिनेट ना हो। तो हमने खूब ब्राइट कलर और उसके बाद भी हाथ से कलर, मतलब प्रिंट के ऊपर एक प्रिंट है उसके ऊपर दूसरा प्रिंट किया है, बिल्कुल और उसके ऊपर स्टेंसिल करके फिर हाथ से भी काम किया है। तो वो यूनिक एक काम हो गया, ओके। अच्छा, एक काम हो गया, ये तो जो मतलब उसका एडिशन नहीं। यूनिक प्रिंट जिसमें लिखा हाँ, हुआ है वो सब सिंगल पीस है। वो सब सिंगल पीस है। हाँ ओके हाँ क्योंकि एडिशन नहीं हो सकता, तो वो यूनिक वर्क किया, यूनिक सही, क्योंकि नाम दिया। मैंने ऐसा पहली बार मैं ऐसा ये किया कि अगर सिंगल पीस में आप निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी का ऐसे नहीं सुना कि वो यूनिक हाँ से काम हाँ करते हो ऐसे, तो इसीलिए मैंने पूछा ये। अच्छा, दूसरा जो आप बता रही थी कि ये गॉड गॉड ड्रेसेस वाला, ये उसके पीछे की क्या स्टोरी है वो? वो एक है कि जब काठमांडू में हम आए ना, जी तो अब गॉड गॉडेसेस तो वहां बनारस में भी बहुत ज्यादा है, हिस्टोरिकल सिटी है, पर यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ तो हर जगह 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 भगवान मंदिर, छोटे छोटे मंदिर है, हर कदम पे गणेश जी के मंदिर, वो छोटा सा मंदिर है, मूर्ति रखी है। सुबह सुबह हर घर के दरवाजे पे, गेट के बाहर पूजा जी करते हैं, थोड़ा सा वो रोली लगा देंगे, थोड़ा सा फूल रख देंगे, और भी जगह जगह, सारी जगह, यहाँ से कॉलेज के रास्ते तक, हर जगह। एक तो वो देखा। हाँ, पूजा जगह जगह गणेश, कितने सारे गणेश, और भी सारे मंदिर, गणेश का सबसे ज्यादा। और यहाँ एक लिविंग गॉडेस है जी, वो कुमारी पूजा करते हैं, कुमारी मंदिर है, ओके तो वो उसमें जीवित देवी है, लड़की को रखते हैं जो कि 2-3 साल की उम्र से लेके और 10-11 साल की उम्र तक वही रहती है, उतने साल तक। ओके और हर एक साल इंद्र जात्रा होती है, उस समय उसको मंदिर से बाहर निकाल के, और बड़े से वो लड़की जमीन पे पैर नहीं रखती है, रेड कारपेट होता है या उसको कोई गोद में उठा के रथ तक पहुंचाता है। ओके तो वो एक बहुत अलग था। पहले तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है किसी बच्चे को ऐसे बंद करके रखना, पर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, वो बंद करके नहीं, वो उनकी परंपरा है, और उसमें मंदिर में उसमें रखते हैं जो देवी को, तो सारे कुछ उसमें, एजुकेशन भी उसी के अंदर, और सारा कुछ उसके लिए उसमें अवेलेबल अच्छा रहता है। और साल में जो एक बार निकालते हैं, तो बहुत अच्छे से धूमधाम से पूजा करके, नाच गाना, और वो यहाँ पर लाखे डांस कहते हैं, लाखे मतलब मुखौटे लगा लगा के, और तरह तरह के मुखौटे के साथ डांस करते हैं, मुखौटे लगा के। तो तो वो कितने कितने साल तक ऐसे रखते हैं उनको? उसको रखते हैं 10 या 11 साल तक। ओके हाँ, उसके बाद फिर वही प्रोसेस होता है, फिर नए बच्चे को ढूंढते हैं, और ऐसा ऐसी लड़की होनी चाहिए जिसको कहीं चोट ना लगी हो, जो डरे नहीं, जो रोती ना हो, रोए हाँ नहीं, बहुत एक कमरे में बंद करके बहुत सारे डरावने डरावने मुखौटे रखते, और उसमें रखते हैं, और जो बच्चा उसमें बिना डरे बाहर आ जाता है, उसको वो भगवान के रूप में पूजा करते। ओके हाँ, ये ये यहाँ अद्भुत का है, एक ये अद्भुत चलन है। अलग है। हाँ, बहुत अद्भुत है। वो 10-11 साल तक उसी कमरे में रहना है। हाँ, और हर एक दिन वो दिन में 1 या 2 बार खिड़की में से दर्शन देने आती है, रेड कपड़े पहने रहती है हमेशा वो, और बाहर बाहर से लोग, बहुत लोग आते हैं, आंगन में खड़े होकर देखने के लिए इंतजार करते हैं मंदिर के बाहर, हाँ, देखने के लिए। तो उनको तैयार करने के लिए दूसरे लोग भी तो होते होंगे ना? हाँ, बहुत लोग रहते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, उसके टीचर होते हैं,
और उसकी वो देखने के लिए और भी दासियां जैसे होती हैं और सिखाने के लिए होते हैं, उनको पूजा करने के लिए होते हैं, उसका मेकअप करते हैं, तो हाँ बहुत मतलब सारी ओके सुविधाएं उसके अंदर रहती है उसको। ओके। अच्छा, ये जो दूसरा वाला काम है ये ये ऐसे के दूसरा वाला जो काम है ना, ये बुद्ध का है, बुद्ध जी से रिलेटेड है। और ये यहाँ पर स्वयंभू है, हमारे पास में ही है। उसके बैकग्राउंड में जो एक गुंबद जैसा दिख रहा है ना, जी वो स्वयंभू है, बौद्ध स्तूपा है। ओके और बुद्ध की अलग अलग जो मूर्तियां हैं उसको हमने एक साथ इसमें बनाया है। अच्छा, अलग अलग समय के और इमेजेस को लेके आपने वो किया। अलग अलग जगह का, अच्छा अलग अलग जगह का है। और नीचे जो है वो उसमें भी बुद्ध है, और एक यहाँ पे है स्लीपिंग विष्णु। हाँ, इसमें एक अजंता का हाँ वो भी दिख रहा है नीचे वाले इमेज में। हाँ वो भी है। मेरी जन्मभूमि उधर इंडिया है, कर्मभूमि यहाँ है, बिल्कुल लेकिन वो भी नहीं भूलता है, दिमाग से नहीं जाता है, तो कुछ कुछ वहां का आता है, नहीं, मेरे वाकई बहुत सारे बिल्कुल। पुण्य आ जाता है। एक मोस्टली मैं एक चीज मैं नोटिस किया, जैसे आप अगर देखेंगे तो मेरे पीछे है ना, आप देख पा हाँ रही हो? हाँ हनुमान, हाँ हाँ, जी हाँ तो भैया, क्या होता हाँ है आज के दौर में है ना, गॉड गॉडेसेस को लेके बहुत कम लोग काम करते हैं। मैं भी नहीं करता था, पर मुझे एक अंदर से जब तक आभास नहीं हुआ ना कि मुझे करना चाहिए, तब तक मैंने शुरू नहीं किया। और वो हाँ हाँ मुझे नहीं पता कब तक ये चलेगा, लेकिन मैं जब तक वो फीलिंग नहीं आती है ना, तब तक काम को जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। तो वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। और मुझे तो लगता है कि ऊपर वो वाला ही करवाते हैं और हाँ, सिर्फ कठपुतली तो हैं। पहले जब यहाँ पर आए ना, जब कुमारी के बारे में सुना, वो देवी के बारे में, डिविन जी गॉडेस के बारे में, तो मेरे दिमाग में बहुत अलग इमेज थी। तो हमने उस समय कैसा चित्र बनाया था, एक लड़की जिसकी आंख में पट्टी बंधी है और वो खिड़की में, खिड़की के हाँ पीछे है, और नीचे आंगन में कुछ लोग खड़े होकर उसको देख रहे हैं बस। और बहुत सुंदर खिड़की है, सब कुछ है, लेकिन वो लड़की की आंख में पट्टी बंधी। तो वो सोच थी उस समय हाँ वो लिविंग गॉडेस के बारे में मेरी। और जब मैंने वो इंद्र यात्रा, जो उसकी यात्रा निकलती है, घुमाते हैं जो उसको, तब जी देखा तो मेरी सोच बदल गई। बदल गई। और फिर हमने उसके बारे में, उस यात्रा का दृश्य बहुत सारा बनाया, कई बार बनाया। और उसके बाद एक और यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ हर मंदिर के देवी देवता को, देवी देवता शहर में घूमने जाते हैं। मेरी तरफ से मुझे ओके मतलब हर मंदिर के देवी देवता को निकाल के घुमाने की परंपरा। ओके वो तो जीवित देवी है, लेकिन मूर्तियों को भी घुमाते हैं, वाह, जैसे रथ यात्रा निकलती है वैसे ही। रथ यात्रा जैसे निकलती है, यहाँ तो सारे भगवान की यात्रा निकलती है। तो वो एक बहुत अलग था, बहुत अलग है यहाँ पर। तो वाह हमने एक सीरीज बनाई यात्रा की, यहाँ पर यात्रा को जात्रा कहते हैं, तो यात्रा एक जात्रा सीरीज बनाई, जात्रा जी हाँ। जी तो वो एक सीरीज ही बनाया उन्होंने, वो इंद्र यात्रा, सम्यक यात्रा। सम्यक यात्रा में बुद्ध के सारे, बुद्ध को हर एक मंदिर से बुद्ध को उठा के, और बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति, उसके अंदर एक आदमी घुसा हुआ, और बुद्ध के पेट पे, या पेट से थोड़ा ऊपर ही समझिए, पेट और सीने के बीच में एक होल रहता है, उसमें उसके अंदर से आदमी जो है घुस के, और वो देखता है, और अगल बगल दो लोग उसके, बुद्ध के हाथ को पकड़ रहे थे। मतलब एक बहुत बड़े से भगवान सड़क पे चल रहे जैसे फीलिंग, ओके तो हमें हमें ऐसा फील।
और एक भगवान नहीं, सारे बुद्ध चले आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, और साथ में बाजे बज रहे हैं और ये सब। तो वो मेरे ख्याल बहुत से एक बहुत रोमांचक फीलिंग ये थी चीज भारत में भी पहली पहले बार, होती होंगी, तो धीरे धीरे खत्म होती होती होगी। बिल्कुल। हाँ तो उसमें वो भी था, और बहुत सारी यात्राएं यहाँ पे होती, सिंदूर यात्रा है, भाट बटेनी है, तो काफी यात्रा, गाय यात्रा है, तो सीरीज ही बनाया मैंने, एक एक सीरीज यात्रा की बनाया एक टाइम पे। ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड कुछ था ये? ये गंगा सीरीज पे जो बनाया जब हमने बहुत काम, तो उसको टाइटल क्या देने समझ में आया था, तो मुझे लगा नमामि गंगे भी एक अच्छा है। तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप दूर बैठ के तो हम गंगा को नमन कर सकते हैं, बस वो उस सेंस में हमने नमामि गंगे टाइटल दिया। ये वाला काम देख के मुझे क्या फील आ रहा पता है, ये शाम का या सुबह का समय है, और क्योंकि उसमें उस हाँ साइड के ऊपर तो खूब सारी लाइट्स हैं, लेकिन इधर जो है दूसरे बिल्डिंग्स का शेडो पड़ा हुआ है नीचे। हाँ, ये एक अलग सा फीलिंग आ ये रहा है। कब का काम है, ये जो ऊपर वाला काम है? ये इधर बीच का ही काम है, ये 22 का होगा, ओके 21 22 का। आपके जो काम है ना उसमें एक यूनिकनेस है, आप जैसे यूनिक प्रिंट बोली ना, वैसे आपके काम में हाँ एक यूनिकनेस है। कभी उसमें देख के है ना कभी ऐसे भ्रमित हो जाता है कि हम 1880 के कोई फोटोग्राफ्स देख रहे हैं या उस समय का कुछ इमेजेस देख रहे हैं, या उसको वो फोटोग्राफी है या प्रिंट है या हाथ से किया हुआ है, ये एक मतलब वो उसका एक अलग मजा है। ये खासियत कहाँ से लेके आए आप ये बताइए। ये एक एंजॉय होता है ना निडल वर्क करने में, कभी कभी जो खूब मजा आता है काम करने में, करते जाने करते जाने करते जाने। ये एक्चुअली कोरोना के टाइम का है, बाहर निकलना नहीं है, कहीं और कुछ काम नहीं है, तो खूब मजे से काम किया था अच्छा उस पीछे टाइम जो में। आपने प्लेट का वो छोड़ा है ये ऊपर वाले पार्ट में, जो ये हाँ आसमान स्काई वाला पार्ट, हाँ क्योंकि नीचे वाला ये जो पानी का जो टेक्सचर है वो तो बहुत ही एकदम ऐसा लग रहा है कि चुन चुन के लाइंस से, वो टेक्सचर कैसे वो आपने छोड़ा? वो हमने टेक्सचर निकाला है दूसरी प्लेट से, उस प्लेट दूसरे प्लेट से टेक्सचर इस प्लेट में ट्रांसफर किया। वो ऐसा लग रहा है कि रोलर से आपने है ना कुछ ट्रीटमेंट किया है प्लेट पे, फिर आपने कुछ किया है ऐसा। हाँ, दूसरी प्लेट से निकाला। अच्छा ये नीचे वाला काम कब का है? ये मेरा थोड़ा पुराना काम है, कब ये शायद 10 15 साल पुराना काम। तो ये भी, इसमें भी स्वयंभू है, और पीछे वो समय यात्रा जो आपको हमने कहा बीच में बताया था ना बुद्ध का जो, तो हाँ वो उसका भी एक थोड़ा पार्ट है, हालांकि दूसरे प्रिंट में हमने बहुत सारे पूरा पूरा प्लेट में ही वो बनाया है, पर कुछ बुद्ध को इसमें भी बनाया है। और बुद्ध के जो गुम्बा होते हैं ना, जो जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और पूजा करते हैं, तो इसके नमस्ते साइड में जो कलरफुल कपड़ा जैसा लटका हुआ दिख रहा है, तो जी। वो गुम्बा के अंदर इस तरह से सजावट किए रहते हैं वो लोग, तरह तरह के कपड़े जोड़ के और कुछ कुछ क्राफ्ट बना के उसमें लटकाए रहते हैं वो। और ये दूसरे साइड में जो जो लेटे हुए बुद्ध है उनके नीचे वज्र है, तो यहाँ स्वयंभू में वज्र भी है एक रखा हुआ। 100 100 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, वो 300 400 करीब सीढ़ियां हैं, वो चढ़ के जब ऊपर जाएंगे तो वज्र दिखेगा। उस वज्र के बारे में ये मानना होगा कि जिस दिन ये वज्र हिल जाएगा उस दिन पृथ्वी नहीं बचेगी, वो इंद्रदेव का ऐसे मंदिर ऐसे। है? हाँ
नहीं, वो बुद्ध के लिए बच रखा, यहाँ बुद्ध और हिंदू मिक्स है, बुद्ध ओके हाँ, वहाँ गणेश भी है बीच में, हाँ सीढ़ी चढ़ने के समय गणेश की मूर्ति भी मिलेगी, कार्तिकेय है और भी कई कई देवी देवताओं की मूर्ति, और बुद्ध बुद्ध है बीच बीच में। ओके हाँ और वो जो लेटे हुए बुद्ध है उसके ऊपर वो यात्रा के दृश्य को आपने दिखाया ना। हाँ वो यात्रा जिनका, जो बुद्ध लोगों को, बुद्ध को घुमाते हैं जो मूर्तियों को, वो जी वाली मूर्तियों पीतल की या ये फेस्टिवल ये क्या, कब होता है? ये एक तो एवरी ईयर होता है, जाड़े में होता है, जनवरी में होता है, जनवरी के लास्ट लास्ट में, और एक होता है वो 12 साल में एक बार होता है, जिसमें पूरे काठमांडू के बुद्ध को लेके जाते हैं स्वयंभू में, और वहां लाइन से रखते हैं सबको, और उसमें लोग सारे बुद्ध को कुछ कुछ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, वो ओके अलग हाँ एक होता है। ये कभी तो कोई उसको रेसिडेंसी भी शुरू हुई थी ना नेपाल में, जो भारत के बहुत सारे प्रिंट मेकर्स या आर्टिस्ट लोग गए थे, पांच पांच लोग वहां जाते थे, वहां रेसिडेंसी करते थे। वो एक 93 में हुआ था शायद, नहीं अभी रिसेंटली एक एक 1.5 साल पहले की बात है। एक 1.5 साल पहले, प्रिंट मेकर। हाँ प्रिंट मेकिंग शायद वो कुछ रेसिडेंसी था। वो बॉम्बे के जो आर्टिस्ट आए थे, तो हाँ, का वो मैं बताऊंगा वो आपको हम डिटेल। लोग, वो क्या, देवस्कर, प्रीतम देवस्कर और ओली, क्या पॉल कोली, ओके वो सीनियर आर्टिस्ट है, वो लोगों को बुलाया था हम लोगों ने अपने वर्कशॉप में, प्रिंट ओके हाँ मेकिंग के वर्कशॉप में बुलाया था, हाँ और भी कोई कोई लोग आए थे। ओके पर नेपाल में ऐसे रेसिडेंसीज हैं जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रेसिडेंसीज हैं जहां आर्टिस्ट अप्लाई करते हैं और वो वहां जाके रहते हैं, काम करते हैं। हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है तो। ये ऊपर वाला काम कब का है? ये भी वर्कशॉप का काम है, ये प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप का काम है, और ये है 19 का, ओके और ये नीचे वाला तो वही 19 के बाद में जो घाट का बनाया हाँ कोविड के टाइम, ये सिंधिया घाट है एक्चुअली, इस जगह पे हम स्केचिंग करते थे, और इसके ओके पहले तो काम किया है इंप्रेशन लेके, बहुत पुराना फोटोग्राफ से, हाँ, नहीं इसके पहले वाला, ये वाला ये वाला, इसमें मैंने ऊपर, ये सिंधिया घाट है, और जिस बेंच पे बैठ के मैं स्केचेस करती थी वो बेंच अभी भी वहां है, और उस बेंच पे हमने इसमें अपना नाम लिखा ओके है अभी। हाँ तो यहाँ ये आपके प्रेजेंटेशन का लास्ट ये था, अभी मैं इसका जो ये है वो बंद कर रहा हूं। तो हम जानना चाहेंगे कुछ तकनीकी विषय जो जिसके जो आप स्टूडेंट को सिखाते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं, बहुत सारे गैलरीज भी देखते हैं, और लगभग ये अलग अलग छोटे छोटे जगह पे जो कॉलेजेस हैं जैसे मध्य प्रदेश में हैं, अलग अलग जगह पे ऐसे बहुत सारे फाइन आर्ट्स के छोटे छोटे कॉलेजेस हैं जहाँ के विद्यार्थी शायद कई बाहर जा पाते नहीं जा पाते, क्योंकि एक वो होता है कम्युनिकेशन भी होता है, दूसरा हर किसी के लिए वो संभव नहीं हो पाता है, तो वो लोग हर एक आर्टिस्ट के बारे में जान सके उसके लिए हमने ये चैनल शुरू किया था लॉकडाउन में, कोविड में। तो उसके बाद काफी सारे इंटरव्यूज किए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ कुछ तकनीकी विषय कुछ चीजों के लेके बातचीत करें, या उसके बाद कुछ विद्यार्थी जो जिनके मन में कुछ अगर ऐसे होते हैं प्रश्न, वो हम कमेंट बॉक्स में बुलाते हैं, तो क्वेश्चंस वो लोग अगर कुछ पूछे तो आप कमेंट्स में जरूर जाके जवाब दे सकते हैं। व दूसरे आपके जो अनुभव हैं जो एक विद्यार्थी जीवन में या कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको आप क्या बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं
वैसे अभी तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोलंबो यूनिवर्सिटी में भी इनवाइट किया है इसी काम के लिए मुझे, एक ओके वीक के लिए स्टूडेंट्स को कुछ अपनी टेक्निक सिखाइए करके। और उसके बाद एक वो है तिब्बत यूनिवर्सिटी में भी, तिब्बत में भी बुलाया है, वो शायद मार्च अप्रैल में है। तो वो जी भी यही बात की, हाँ टेक्निक आप कैसे काम करती हैं वो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए करके। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनको मैं ये ऐसे ही सिखाती हूँ जैसे मैं काम करती हूँ वैसे ही सिखाती हूँ। पर बेसिक काम जो है, मेन जो टेक्निक है एचिंग की, एचिंग और एक्वाटिंग, बेसिक टेक्निक जो है वो अगर सीख जाए तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। जी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हुए हैं अभी तक। तो बेसिक को कंप्लीट, जब तक कमाल नहीं हो जाती बेसिक में तब तक कोई एक्सपेरिमेंट करना बाई चांस अच्छा हो सकता है एक्सपेरिमेंट, पर कमांड होना बहुत जरूरी है बेसिक चीज में। जैसे कि टाइम बाइट की बात लेते हैं, एक्वाटेंट करते हैं और उसको कितने टाइम में कैसे बाइट होगा, हमारी एसिड की इंटेंसिटी कितनी होगी तो हमारा कैसा बाइट होगा, वो सब बातें जब समझ में आ जाती हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल लेयर बाइट में कैसा एसिड, एसिड की इंटेंसिटी कितनी होगी तो कैसा बाइट होगा, उसको समझने के लिए कई काम करने, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसके बाद वो समझ में आने लगता है। बिल्कुल तो पहले अच्छे से समझ के उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें तो वो ज्यादा ड्यूरेबल और अच्छा होता है। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने मैंने कभी प्रिंट मेकिंग किया नहीं, बट मैंने है ना, मुझे लगता है एक लाइन ड्राइंग किया होगा इस पे, जब भारत भवन में जो ग्राफिक स्टूडियो है वहां अच्छा पर, अच्छा मैंने भारत भवन हाँ लगभग 99 से मैं जा रहा हूँ, और पहले बहुत जाते थे, अब तो समय की अनुकूलता नहीं होती इस वजह से जाना नहीं होता, पर वो विद्यार्थी जीवन में हम जो छुट्टियां जो होती थी हम वहीं बिताते थे, ताकि मैं सिरेमिक सीखा, अब वहीं रह के हम पेंटिंग करते थे, बट कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि मैं एचिंग हुआ है वो और चीजें, लेकिन दूसरों को देखता तो जरूर था मैं कि वो लोग एसिड बना के उसमें जिस जिस जगह पे बाइट करना हो वो स्क्रैच करके वो डीप करके रख देते थे, तो कई बार वो ज्यादा डीप भी वो उन्होंने किया, उसको कुछ बोलते हैं इंटाग्लियो कुछ तो नाम बोलते हैं शायद, हाँ इंटरव्यू करते हैं जी। तो वो भी देखा कि इतना पूरा इतना डीप इचिंग मैंने पहले कभी नहीं देखा अच्छा था, तो ये सब छोटे छोटे जो अनुभव हैं वो मुझे वहीं से अनुभव करने का मौका मिला, बट ऐसे प्रैक्टिकली मैंने कभी उसमें ये नहीं किया, पर अच्छा वो पर बहुत होता है। इंटरेस्टिंग है। तो कई सारे ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे अगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं अगर वेकेशन के समय पे वो लोग भारत भवन आके अपना कुछ काम करना चाहें, या ये सारी चीजें अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं वहां पे और वो वहीं रह के वो लोग काम भी करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। अगर आप स्टूडियो देखना चाहें तो हम आपको बिल्कुल दिखा सकते हम हैं, लेकिन लास्ट में नीचे देखेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ उसके बाद हम स्टूडियो जरूर आपको बोलेंगे, आप स्टूडियो विजिट कराइए। जो नए विद्यार्थी हैं या जो नए कॉलेज से पास आउट होकर निकलते हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हमें आने वाले समय में फील्ड में कैसे काम करना है, गैलरीज से कैसे कांटेक्ट करना है, या क्यूरेटर्स को कैसे अप्रोच करना है, तो उनको लेके आप क्या सोचती हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? जो उनके काम है, उन्होंने जो अभी तक काम किए हैं जी उसके वो एक पोर्टफोलियो बनाकर उनको जगह जगह पे फोटोग्राफ्स के साथ अप्लाई करना चाहिए कहीं कहीं पर। तो उसमें से वो सेलेक्ट, जरूरी नहीं कि सब जगह, मतलब बड़ी गैलरी में एक ही बार अप्लाई नहीं करना चाहिए मेरे विचार से स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ने में बहुत इजी होता है उनके लिए। तो जी आसपास की गैलरी में, किसी भी गैलरी में अप्लाई करना चाहिए, ग्रुप बना के अप्लाई करना चाहिए, तो वो एक बहुत फायदेमंद होता है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि अब काम किया है तो एक्सप्लोर करना भी, और बहुत ज्यादा प्राइस हाई नहीं रखना चाहिए,
शुरू में हो बिल्कुल सकता है कि काम हाई प्राइस में बिक जाता है, लेकिन बहुत हाई रखने से फिर वो नीचे आना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। हाँ और मुझे तो लगता है अगर ग्रुप हाई शो से, ग्रुप शो से शुरुआत करें तो ज्यादा बेटर है। हाँ ग्रुप शो से शुरुआत करने में ज्यादा अच्छा होता है, ये मेरा सजेशन होगा नए स्टूडेंट्स के लिए, पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 10 का भी ग्रुप में करते तो भी लोगों का ध्यान जाता है कि हाँ इतना काम, इतना इतने लोग फील्ड में है मैं, तो वो बिल्कुल जो ऊपर की जो बड़ी गैलरी है वो देखती है, उनकी निगाह रहती है, फिर वो कंटिन्यूटी भी देखते हैं लोग कि हाँ, कि ये वहां कंटिन्यू पर काम है कर रहे हैं कि नहीं कर कि रहे हैं। वहां। हाँ अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, चाहे जितना भी अच्छा काम हो, तो वो कंटिन्यू, ये लड़का या लड़की या जो भी, ये यहाँ भी था, अरे ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, करके जब दिखता है तो फिर लगता है कि हाँ ये फील्ड में है, तो उस बिल्कुल पे ध्यान जाता है। हाँ तो काम में कंटिन्यूटी होना चाहिए, और एक ग्रुप के साथ बाहर निकलने में थोड़ा अच्छा होता है, बेटर होता है स्टूडेंट अभी नए वालों के लिए, नए फ्रीलांस आर्टिस्ट के लिए, बिल्कुल। मेरे विचार से। दूसरा, जैसे मेरे ख्याल से ना, पास आउट होने के बाद रेसिडेंसीज अभी तो बहुत सारे, जैसे JSW जिंदल ने ने अभी हम्पी में शुरू किया है। ऐसे जगह पे अगर 2 महीने 4 महीने के लिए आवेदन करके, अप्लाई करके, उनको अगर वहां मौका मिलता है, तो जैसे JSW है, उनके हम्पी आर्ट या आर्ट करके है, फिर उसके बाद यहाँ पे एलेम्बिक स्पेस आर्ट स्टूडियो का, अभी आज तो उनके वहां पे ओपन स्टूडियो का इवेंट है, फिर जयपुर में आर्ट जंक्शन करके, फिर कई सारे ऐसे अलग अलग जगह पे हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ वो कॉलेज से निकलने के बाद अगर उन सब जगह पे आवेदन करके उनको काम करने का मौका मिलता है, तो ऐसे जगह पे तो बहुत अच्छे हाँ से तो वो होते हैं। उनको हाँ बहुत अच्छा होता है, और उनको कुछ नई बातें, जिस स्टूडियो में जाते हैं उस स्टूडियो से बहुत कुछ मिलता है बिल्कुल उनको। हाँ वही। और दूसरा, जैसे तो मैंने भारत भवन के बारे में बताया, तो वो लोग वो भारत भवन भी आके काम कर सकते हैं, वहां भी काफी सारे लोग आना जाना, फुटफॉलिंग अच्छा होता है, और वहां से भी नया ग्रुप मिलता है, और काफी सारे लोग तो वहां भी काम कर रहे हैं। और दूसरा एक चीज है हाँ भारत जी, दूसरा एक चीज है कि भारत भवन में जो गैलरी है, वो वहां पे अगर वो अप्रोच करें तो, और अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग वो फ्री में गैलरी भी देते हैं कि वहां एग्जीबिशन करने के लिए, तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, उसका इस्तेमाल तो मुझे लगता है करना चाहिए हाँ करना चाहिए उनको। भारत वहां। भवन तो बहुत पहले से बहुत नाम है, भारत भवन का तो नेपाल में भी ऐसे हैं रेसिडेंसीज? प्राइवेट है, कुछ ओके ओके हाँ प्राइवेट है रेजिडेंसी, हाँ जो गैलरीज लोग लगाते हैं। हाँ प्रेस वगैरह का नहीं है, पर कोई कोई है ऐसे लोग जो आके करते हैं काम, सीखते हैं, तो ओके उसके लिए कुछ रोक टोक नहीं करते हम लोग, करने देते हैं काम, करवाते हैं, पर रेजिडेंसी की व्यवस्था अभी हमारे यहाँ नहीं, पर है बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी मनीष कि पुष्कले, रेजिडेंसी। मनीष पुष्कले जी ने अभी एक कोई रेसिडेंसी वहां पे की थी, जिसमें इंडिया से 5 आर्टिस्ट गए थे वहां, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सी जगह है, पर वो हाँ अच्छा। मनीष में भी थे, और वो उन्होंने ये यहाँ पर है उन्नति कल्चर फाउंडेशन, उनके साथ मिलके किया था। ओके अभी उन्नति कल्चर फाउंडेशन ने एक एग्जीबिशन विवांता होटल में किया हुआ है, उसमें हम लोग दोनों का काम है, तो ओके वो हाँ उनके इनोग्रेशन प्रोग्राम में भी हम लोग गए थे, और हम लोगों का काम भी था दोनों का, उन्होंने लिया भी था, उनके म्यूजियम में भी है कलेक्शन में हमारा काम हाँ है, तो अच्छा, हम आपका स्टूडियो जरूर देखना चाहेंगे। हाँ लेकिन नीचे है थोड़ा। अच्छा, ये वो 4x8 का प्रेस है आ रही है आवाज, जी, अब आ रही है। ये हमारा प्रेस है, हाँ ये बड़ा प्रेस है, काफी बड़ा प्रेस है। ओके okay. हाँ अच्छा, ये पूरा सेटअप है यहाँ का।
हाँ ये हमारा छोटा प्रेस है। थोड़ा आप उसको स्टील रखिएगा, क्योंकि वो इमेजेस है ना ऐसे पिक्सलेट हो रहे हैं। ये तो काफी पुराना प्रेस है ना। हाँ ये इंग्लैंड का जी, क्योंकि ये प्रेस आजकल नहीं दिखता है। है। हाँ ये नहीं दिखता है आजकल। ये वर्किंग स्पेस। हाँ ये वर्किंग स्पेस है, वो प्रिंट के लिए है ओके। जो अभी। ये कलर्स वगैरह वाह, और ये हाँ आप तो इंटरनेशनल रेसिडेंसी शुरू कर सकती हैं। कुछ लोग आते हैं काम करते हैं। ये हमारा रोलर ओके। रोलर्स है वाह, और ये छोटे रोलर। वाह, पूरा ग्राउंड फ्लोर स्टूडियो बना के रखा हुआ है। ओके। हाँ ये डिस्प्ले स्पेस है। ये मेरा एक यूनिक, ये यूनिक प्रिंटर। ओके। ये दुर्गा जी के ऊपर की हुई है क्या? हाँ ये दुर्गा दुर्गा के नौ दुर्गा। ओके। इमेजेस थोड़ा ब्लर है क्योंकि शायद वाईफाई का नेटवर्क नहीं है नीचे ठीक से। जी, यहाँ तो बहुत अच्छा नेटवर्क है। अच्छा, तो ये बातचीत का जो समय है वो अब थोड़ा सही है, तो अब हम अंत में हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को जरूर एक रिक्वेस्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये अगर सभी को मेरा काम और मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपसे अनुरोध थैंक यू। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने ग्रांट के बारे में बताया हुआ है। मुझे 2 बार पोलाक क्रेसनर फाउंडेशन का ग्रांट मिला अमेरिका से। तो और दूसरा हाँ। एक चीज है कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ग्रीन शील्ड करके एक अवार्ड है, वो लोग चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो पोलाक क्रेसनर फाउंडेशन ग्रांट है वो उसके बारे में कैसे आवेदन करना है, वो पास आउट स्टूडेंट्स को ही मिलता है वो, और उसके बारे में मैंने पूरा विस्तार में प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो जो भी दर्शक और जो भी मित्र नेपाल से देख रहे हैं जो पास आउट आर्टिस्ट हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आप कोई भी छोटी से छोटी उसमें सारी जानकारियां मैंने शेयर की हुई हैं, तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आवेदन जरूर करें। आप कहीं भी हैं, कलाकार हैं, पूरा वर्ल्ड में वो लोग 200 लोगों को ग्रांट देते हैं, तो आप लोग जरूर देखिए, आवेदन कीजिए। बिल्कुल सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीमा जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी कला को आपके मार्फत से लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हम सभी दर्शकों का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और फिर मुलाकात होती है एक नए मेहमान के साथ। तब तक चैनल के साथ प्यार बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।